हेलो फ्रेंड्स, टेक्नो बदर चैनल में आपका वेलकम है। दोस्तों, अभी फिलहाल आईपीएल 2018 मैच चल रहा है। इसमें हम लोग किसी भी दीवार पर उस मैच का इमेज या पिक्चर या पोर्ट्रेट कैसे हम लोग सेट करेंगे, कैसे बनाएंगे, इसको हम लोग सीखते हैं। देखिए, जिस तरह हमने बनाया है इस तरह का पिक्चर या पोर्ट्रेट या चित्र को हम लोग सेट कैसे करेंगे, इसके विषय में जानकारी। अगर इसमें कोई बात क्लियर ना हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें। इसको मैंने बहुत ही इजी तरीका से बताने की कोशिश की। इसको आप लोग अच्छी तरह देखें, बार बार देखें तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। कोई भी अगर मिस्टेक हो रही है, आप लोगों से भूल हो रही है, तो उसको आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें ताकि मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस तरह का इमेज कैसे क्रिएट किया जाता है इसकी जानकारी। और दोस्तों, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को आने वाले वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिल जाए करे, क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद कुछ घर में काम हो गया था जिस वजह से मैंने वीडियो अपलोड नहीं कर पाया और फिलहाल फिर स्टार्ट किया। ये फोटोशॉप इफेक्ट से रिलेटेड वीडियोज हैं। चलिए देखिए और इसकी जिस विषय में बताया गया उसकी जानकारी करिए। चलिए स्टार्ट करें। दोस्तों, फर्स्ट हम लोग गूगल से कुछ इमेज लेते हैं, क्योंकि अभी तो फिलहाल आईपीएल 2018 चल रहा है, मैच चल रहा है, तो उसी से रिलेटेड हम लोग इमेज को लेते हैं, प्लस वॉल पर उसका पिक्चर हम लोग सेट करते हैं। जिस तरह वॉल पर आप लोग देखे होंगे कि वोट इलेक्शन के समय जो लोग वोट प्रिंट करते थे, फोटो लगाते थे, फोटो बनाते थे, उस तरह का हम लोग कैसे करेंगे, मीन्स हाउ टू क्रिएट या ट्रांसफॉर्म फोटो ऑन ए ब्रिक वॉल। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं और इसके विषय में जितना इजी तरीका से हो जानकारी करते हैं। तो दोस्तों, ये रहा हम लोगों का चार पिक्चर्स जो हम लोग मैंने गूगल से डाउनलोड किया है। फर्स्ट दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे, इस पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे। अब पिक्चर को सेलेक्ट करने के लिए हम लोग क्विक सेलेक्शन टूल का इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट इसको हम लोग क्विक सेलेक्शन टूल की हेल्प से इसको सेलेक्ट करते हैं। इस ब्रश को बढ़ा लेंगे हम लोग, छोटा बड़ा कर लेंगे। इस टूल की हेल्प से हम लोग बड़ी ब्रैकेट के टूल से हम लोग ब्रश को बढ़ा खड़ा सकते हैं। ठीक है, इसको भी कर लेते हैं। अब हमको तो पिक्चर सेलेक्ट करना है, ये तो सेलेक्ट हो गया बारी परत। इसको हम लोग अल्ट पुश करेंगे, अल्ट पुश करते हैं। देखिए यहाँ पर, देखिए इसको छोड़ते हैं तो प्लस का सिंबल आता है, अल्ट छोड़ते हैं, अल्ट को पुश करते हैं तो माइनस का सिंबल आता है। तो आप लोग क्विक सेलेक्शन टूल का जो वीडियो है उसमें आप लोग इसके विषय में अच्छी तरह जानकारी कर सकते हैं। मैंने उसमें बताया हुआ है कि कैसे एक वर्क करता है। इसको छोटा कर लें, ब्रश को छोटा कर लें। इस पिक्चर को भी मैक्सिमाइज कर लें। मैक्सिमाइज करिएगा तो पिक्चर का सिलेक्शन बहुत अच्छी तरह से, स्पेस बार को दाब कर आप इसको मूव कर सकते हैं। प्लस को छोटा किया, अल्ट को पुश करके इस सब को मैं कटिंग को ठीक करता हूं। देख ले जहां पर हो उसको आप सेलेक्ट करें अच्छी तरह से, क्विक सेलेक्शन टूल की हेल्प से आप लोग इस इमेज को अच्छी तरह सेलेक्ट कर रहे हैं।
देख ले जहां पर भी हो, माइनस करना उसको ऑल्ट को पुश करके करें, और प्लस है उसको ऑल्ट को छोड़ दें। जैसे यहां पर इस हाथ को लेना होगा, यहां बढ़ गया तो इसको ऑल्ट को करेंगे और इसको करेंगे। देखिए ऑल्ट ऑल्ट को पुश करके पिक सिलेक्शन टूल को हम लोग कर सकते हैं आसानी से। इसको आसानी से मैक्सिमाइज करके करेंगे तो आपका पिक्चर का कटिंग भी अच्छी तरह आसानी से हो जाएगा। ये आप लोग अच्छी तरह कर लें। इसको देखें और इसको अच्छी तरह सेलेक्ट करें, बहुत ही आसान है। स्पेस बार को दाब पुश करके आप लोग इसको सिलेक्शन कर लें। बस आपको ऑल्ट को कभी पुश करना है, कभी छोड़ना है, और कुछ नहीं। और स्पेस बार के लिए, पिक्चर को इधर उधर मूव करने के लिए आपको जो कंट्रोल जीरो करके देख लें कहां पर कुछ और चाहिए। यहां देखें, ये अंदर वाला पार्ट बाकी है। इसको मैक्सिमाइज कर लें आप। हो गया, लगभग हो गया है। आप लोग मुझसे भी अच्छी तरह से करेंगे आप। ठीक, देखिए जो हो गया है उसको चेक कर लें आप। स्पेस बार यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, यहाँ पर भी है, इसको आप सेलेक्ट करें। इसको
माउस ब्रश पे छोटा करें। कंट्रोल जीरो से चेक कर लेते हैं। हो गया, यहाँ पर कुछ बाकी है, इसको मैक्सिमाइज करता हूँ मैं और इसको स्पेस बार दाब कर इसको ऑल्ट को बूज करके इसको सिलेक्ट करता हूँ। हो गया कंट्रोल जीरो। अब देख ले कोई सिलेक्शन बाकी नहीं ना है। अब क्या करेंगे, जो कंट्रोल जे से सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे सेलेक्शन का। अब इस सेलेक्शन को क्या करेंगे हम लोग, मूव टूल लेंगे, मूव टूल लेकर इस ब्रेक पर ले आएंगे, ताकि हम लोग को दीवार पर ही, ईंट की दीवार पर ही इस पिक्चर को सेट करना है। तो मूव टूल भी से भी किए, इसको ले गए वहां पर, ले जाकर छोड़ दिए। यहाँ कंट्रोल टी करेंगे ट्रांसफॉर्म के लिए, उसको शिफ्ट अल्ट को पोज कर इसको रिसाइज करेंगे। अल्ट पोज को पोज करके ही इसको रिसाइज करेंगे। एंटर मारे या यहाँ पर ओके करती है। चलिए ये वाला इमेज तो सेट हो गया। इस इमेज को आप स्मार्ट ऑब्जेक्ट में चेंज करें, वहां पर क्लिक करेंगे। मैं बता देना चाहता हूँ आपको, यहाँ पर है, यहाँ पर जो पोर्शन है ऑप्शन है, इस पर क्लिक किए, यहाँ पर कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक किए। देखिए यहाँ पर स्मार्ट ऑब्जेक्ट का ऑप्शन आ गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो लेयर वन है इस पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करते ही यहाँ पर ये लेयर स्टाइल का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको स्ट्रोक में जाना है। स्ट्रोक में जाने के बाद यहाँ 2 दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं। आप देख लीजिए ब्लैक जो आउटसाइड में है, यहाँ वो आउट पोजिशन आउटसाइड चूज करना है। इनसाइड नहीं, इनसाइड चूज करिएगा तो अंदर की तरफ होगा और आउटसाइड चूज करिएगा तो बाहर की तरफ होगा। यहाँ 2 भी दे सकते हैं, 3 भी दे सकते हैं, अपना जितना चॉइस हो आप दे सकते हैं। चलिए मैंने 2 दिया है, इसको मैंने ओके किया। ओके करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर फिल्टर में जाएंगे और फिल्टर गैलरी में जाएंगे। फिल्टर गैलरी में जाकर यहाँ देखिए इमेज आ गया है। यहाँ पर फ्रेश को ले सकते हैं या पोस्टर एड्ज भी ले सकते हैं, दोनों में से जो पसंद आए आपको चूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं सपोज मैं इसे चेंज कर सकता हूँ। पोस्टर एड यहाँ पर सेटिंग कर लेंगे आप 1, यहाँ इसको एज डेंसिटी को बढ़ाकर देखते हैं, देखिए ब्लैक होता जा रहा है, तो इसको मैं 0 ही रहने देता हूँ। यहाँ पर पोस्टराइजेशन 2 ही रहने देते हैं और इसको ओके कर देता हूँ। या फ्रेश को भी ले सकते हैं, जो भी लेना चाहें आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पर पावर एड्स ले रहा हूं, ओके किया। देखिए ये हो गया। अब इसको मैं क्या करता हूं, इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में फिर सेट करता हूं, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। चला गया एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट में। अब इसके बाद देखें यहां पर जो है नॉर्मल है, नॉर्मल पर क्लिक किया, यहां है ओवरले, इसको ओवरले करता हूं। ये इमेज क्या हो, दीवार से एकदम सेट हो गया। इसको अगर चेंज करना चाहे और भी ऑप्शन है, इसमें जो पसंद आए आप लोग दे सकते हैं। देखें इस तरह का दे सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ये ओवरले ही करता हूँ। ओवरले इसकी ओपासिटी को आप लोग कम बेसी कर सकते हैं। यहाँ पर कम मैं कर रहा हूँ, अबाउट 76 कर दे रहा हूँ। चलिए एक इमेज तो हो गया, अब दूसरा इमेज रहा।
एक कप का, जो 2018 एक मैच का कप है, वीवो कप है, उसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। उसी तरह आपको सेलेक्ट करना है, क्विक सेलेक्शन टूल लिए और इसके ब्रश को बढ़ा लिए जरा और इसको सेलेक्ट किए। अब अल्ट को पुश करके इसको मैक्सिमाइज कर ले रहा हूं मैं। अब क्या करेंगे, और ये स्पेस बार को पुश करके अल्ट पुश करेंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे, माउस को जरा छोटा कर लेंगे, एक बहुत बारीक सिलेक्शन। यहाँ पर जैसा हुआ वहाँ एडजस्ट उस तरह कर लेना है आपको। यहाँ पर भी थोड़ा बढ़ा लेता हूँ ब्रश को बढ़ाकर। हो गया, यहाँ पर भी वही करना है हमको। ब्रश को छोटा करना पड़ेगा, अल्ट को पुश करके इसको सेट किया। ठीक, स्पेस बार को दाब को पुश करके इसको ऊपर नीचे करता हूँ, फिर अल्ट को पुश करके फिर यहाँ सेट किया मैं। आप प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर करता है कितना आप प्रैक्टिस किए हैं। कंट्रोल जीरो से मैं चेक कर लेता हूँ सिलेक्शन सही हुआ है कि नहीं। यहाँ आप देखें, यहाँ थोड़ा सा रह गया है, इसको कंट्रोल प्लस करके इसको मैक्सिमाइज किया और यहाँ पर अल्ट को पुश करके मैंने इसे सेट। यहाँ छूट गया बस। चलिए, अबाउट लगभग हो गया। आप इसको अच्छी तरह और करेंगे। क्यू पुश करता हूं मैं। क्यू पुश करने के बाद देख ले सिलेक्शन सही है, फिर क्यू पुश किए, उसके बाद आप कंट्रोल जे करेंगे, कॉपी हो गया जो आप सेलेक्ट किए हैं। मूव टूल लेंगे, भी से मूव टूल लिए और इसको मूव करके आप वहीं पर ले जाएंगे क्रिक पर। सपोज मैं यहां पर डालता हूं, कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म सेट किए और अल्ट शिफ्ट को दाब कर आप इसको सेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए शिफ्ट हुआ। सपोज इसको गया, यहां पर ओके क्लिक करेंगे या इंटर मार देंगे, हो जाएगा सेट। ठीक, इसके बाद मैं इसको क्या करूंगा, स्मार्ट ऑब्जेक्ट में चेंज करूंगा। कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट किया, देखिए यहाँ पर इसका सिंबल आ गया। इसके बाद मैं यहाँ पर इसको स्ट्रोक दूंगा, वही आउटसाइड रहेगा, यहाँ आउटसाइड रहेगा, यहाँ टू रहेगा, थ्री जो भी देना चाहें आप दे सकते हैं, आपकी जितना सोचेंगे वैसा ही कर। ये हो गया। उसके बाद मैं फिल्टर में गया, फिल्टर में जाकर फिल्टर गैलरी में गया, फिल्टर गैलरी में जाकर वही फ्रेस्को या पोस्टर एड्स किसी को चूज किया। मैं सपोज इसको करता इस बार, देखिए यहाँ ब्रश साइज 1 देंगे या ब्रश
डिटेल 10 देंगे या टेक्सचर 1 देंगे, ओके किया मैं। ठीक, उसके बाद मैं इसको फिर क्या करता हूँ, इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में चेंज करता हूँ, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। अब इसको मैं नॉर्मल है यहाँ ओवरले किया और इसकी ओपेसिटी को कम कर दिया। ठीक है, अब अगला है क्या था इसमें, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ क्विक सिलेक्शन टूल की हेल्प से। बस क्लिक करते जा रहा हूँ, यहाँ पर सेलेक्ट होते जा रहा है। ठीक है, अब इसको मैक्सिमाइज कर लेता हूँ, ऑल्ट को पुश करके देखें, यहाँ पर थोड़ा छोटा जरा। ठीक, इस तरह इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जीरो करके देखते हैं सेट करना है। चलिए आप सिलेक्शन जरा अच्छी तरह करेंगे, मैं इस तरह वीडियो लंबा होता जा रहा है इसलिए चाहता हूँ जितना जल्दी सेलेक्ट करूँ और करके काम को गया। उसी तरह क्यूब करेंगे, कीबोर्ड से क्यूब सेलेक्ट करेंगे, देख लें। लेकिन यहाँ पर कुछ रह गया है, फिर जो क्यूब किए इसको मैं अल्ट पुश करके करता हूँ। देखिए क्यूब सेलेक्ट करने पर यही फायदा है, आपको समझ में आ जाएगा क्या छूटा है। ये देखिए अभी भी थोड़ा सा यहाँ पोर्शन, ठीक है चलिए इसको मैं करता हूँ कंट्रोल जे, करता हूँ कंट्रोल जे और इसको मूव टूल की हेल्प से इसको मूव करता हूँ। कंट्रोल टी किया और अल्ट शिफ्ट पुश करके इसको जरा मैंने बढ़ा दिया। ठीक है, सिलेक्ट किया। इसको मैंने स्मार्ट ऑब्जेक्ट में जैसे पहले मैं किया हूँ स्मार्ट ऑब्जेक्ट में चेंज किया, इसको लेवल को इस पर क्लिक किया और इसको स्ट्रोक को ना आउटसाइड किया और ओके किया। ओके करने के बाद मैं फिर फिल्टर में गया, फिल्टर में जाकर यहाँ पर फिल्टर गैलरी में गया, फिल्टर गैलरी में जाकर इसको मैंने सेलेक्ट किया, मीन प्रेस को जो सेटिंग्स वही रहेगा भैया। हो गया, फिर इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में मैंने चेंज कर दिया, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट इस तरह। और फिर इसको मैं यहाँ पर नॉर्मल या जो भी हो ओवरले, नॉर्मल जाकर ओवरले किया। तो इस तरह दोस्तों हम लोग किसी भी चीज पर जैसे दीवार पर इस मैच का 2000 IPL 2018 मैच जो हो रहा है उसका हम लोग पिक्चर बना सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।